भाइयों, अगर आपने अपनी ज़िंदगी को संवारना है तो ये वीडियो पूरी देख लें। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपकी ट्रेडिंग की जो ज़िंदगी है वो भी संवर जाएगी, आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, आपको किसी को पास भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से इंडिकेटर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिपोर्ट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी और इस इंडिकेटर के अंदर मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग, आपने ज़्यादातर लोगों को देखा होगा, इंडिकेटर को बताते हैं, समझा देते हैं, भाई ये इंडिकेटर ट्रेडिंग वीडियो से उठा के लगा दो, ये रहा बाय और ये रहा सेल, करके कोई नहीं बताता। इस वीडियो में आपको लाइव करके दिखाऊंगा, पूरा समझाऊंगा कि ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है, और मैंने खुद इस इंडिकेटर के सिग्नल से ट्रेड ली है, वो ट्रेड आपको दिखाऊंगा कि उसका क्या रिजल्ट आया है। कोई भी आपको इस तरीके से करके नहीं दिखाएगा। ये वीडियो अगर आपने पूरी एंड तक देख ली तो आपको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्राइस एक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, SMC सीखने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी का भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिकेटर सब कुछ है इसके अंदर मौजूद, मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी से लेकर प्राइस एक्शन से लेकर हर चीज़ इसके अंदर है। सिर्फ आपने क्या करना है, जब ये इंडिकेटर आपको बोले बाय तो आपने बाय करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा, टेक प्रॉफिट कहाँ लगाना है वो मैं आपके बताऊंगा। बस ये वीडियो पूरी एंड तक देख लें। अगर आपने इस 5 से 6 मिनट तक ये वीडियो देख ली, आपकी ट्रेडिंग की ज़िंदगी संवर जाएगी। ये एक फॉरेक्स का एक ऐसा इंडिकेटर है, अगर आपको नहीं मालूम कि बाय सेल कहाँ करना है तो ये इंडिकेटर आपकी हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें लॉस नहीं होता, लॉस होता है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो तकरीबन 80-85% है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे इंडिकेटर लेने के बाद इसको पूरे दिन बाय सेल बाय सेल बाय सेल कर दें, क्योंकि अगर ऐसा होता, ये 100% होता, तो मैं दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान होता, क्योंकि मेरे पास ये इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि भाई यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं, मतलब बाय कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक अच्छी कैंडल मिली है, हालांकि इस इंडिकेटर ने अभी मुझे सिग्नल नहीं दिया, लेकिन मैंने सिर्फ कैंडल की बेस के ऊपर यहाँ पर एक बाय की है। जब ये इंडिकेटर सिग्नल देगा तो मैं आपको दोबारा बताऊँगा कि यहाँ पर आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है, अगर आप ये इंडिकेटर लेना चाहते हैं तो। देखें, यहाँ पर जो है वाइट लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस कर दिया, ठीक है, ब्लू लाइन को क्रॉस कर दी है, इसलिए मैं अब कंफर्म हो गया हूँ। तो मैं अब जब मार्केट नीचे आएगी तो मैं एक और बाय का ट्रेड लूँगा। आपने यहाँ पे बाय करना है, मैंने थोड़ा सा पहले बाय कर लिया था कैंडल को देखकर, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर बाय करना है, ठीक है। तो जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं एक और यहाँ पर बाय का ट्रेड ले लूँगा। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड ले ली, अब हम देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। और जब मैं कन्फर्म हो जाता हूँ तो मैं अपने लॉट साइज़ को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और रिस्क लेता हूँ मैं। जो देखें, रिस्क लेंगे तो ही फ़ायदा होगा, लेकिन उतना रिस्क जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। अपने टोटल कैपिटल का 10% 15% या मैक्सिमम 20% तक आप रिस्क अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है, वरना तो एक छोटा सा कैलकुलेटेड रिस्क लें 10 से 15% और छोड़ दें। तो यहाँ पर मार्केट अभी चल रही है, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है इसका। मार्केट तो ऊपर तो निकल गई है, हो सकता है ये रिट्रेस करने के लिए नीचे आए। तो मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ आ चुकी है, हमारे एंट्री पॉइंट के पास आ गई, रिट्रेस कर रही है। तो यहाँ पर अब यहाँ से एक बाय का सिग्नल दोबारा अगर मुझे मिलेगा, जैसे ही ये वाइट लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करेगी तो मैं दोबारा बाय में एंटर हो जाऊँगा। यहाँ पर देखें, इसने क्रॉस कर दिया है वाइट लाइन ने ब्लू लाइन को, तो मैं यहाँ पर एक बड़ी ट्रेड दोबारा ले लूँगा, क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट थी। अब हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए, क्योंकि मार्केट ने हाई बना दिया था एक, तो ये रिट्रेसमेंट है, इसको हम कह सकते हैं। ये देखें, मार्केट ने एकदम जो है ना वो शूट किया, तो मैंने यहाँ पे कुछ बड़ी ट्रेड्स ले ली हैं और मार्केट आपके सामने इस वक्त चल रही है, ठीक है। तो ये हारे हायर हाई भी तोड़ सकती है इस वक्त, तो प्रॉफिट में आ गई है, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, जहाँ मुझे लगेगा वहाँ मैं अपनी ट्रेड्स को एंड कर दूँगा जितना भी मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैंने अपनी सारी ट्रेड्स जो है बंद कर दी हैं, तकरीबन जो है ना $400-500 इसने प्रॉफिट बना दिया। तो ये इंडिकेटर का फ़ायदा होता है, अगर आपको एक भी सिग्नल अच्छा मिल जाए इसका, और जब आप यूज़ करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी कि कौन सा सिग्नल
अच्छा है। अब यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त इसने बाय का मूव दिया है, ये देखें ये जो मैंने येलो लाइन लगाई है यहाँ से हमने बाय किया था, मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया। ये तो खैर मेरी तो प्रैक्टिस है इस इंडिकेटर को यूज़ करने की, जब आप लेंगे तो आप भी पहले इसको डेमो पे ट्राई करें और आप देखिएगा आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मनी मैनेजमेंट मैं आपको बताऊंगा आपका कितना बैलेंस होना चाहिए, पर ट्रेड कितनी लगानी चाहिए, कितनी ट्रेड करना, पूरा आपको मैं गाइड करूंगा। और ये लाइफ टाइम इंडिकेटर है,